ये क्या काम करता है हमारे, अब देखिए एग्जॉस्ट में क्या निकलता है, धुआं जो निकलता है, हम बोलते हैं धुआं निकल रहा है, काला धुआं निकल रहा है, धुआं क्या है बेसिकली, इमिशन नॉर्म है ना। गवर्नमेंट जितना जितना धीरे धीरे कम कर रही है कि हमें जितना पोल्यूशन कम करे, मतलब वातावरण को कम करे, जितना पोल्यूशन जितनी गैसें वो कम निकलनी चाहिए। गवर्नमेंट कर रही है, जैसे बी एस सिक्स ले आई गाड़ी में लाई ना, मोटरसाइकिलों में मार्च अप्रैल से बी एस सिक्स आ गया, क्यों आया, क्योंकि वो पोल्यूशन कम करना चाहती है। ऐसे ही हर कंपनी में नॉर्म्स लागू हो रहे हैं, हम लोग बी एस फोर में है, आने वाले टाइम में बी एस सिक्स में आ जाएंगे हम, तो उसकी तैयारी है। ये एक ईजीआर सिस्टम है, ईजीआर क्या करता है, एग्जॉस्ट गैस रिसाइकलेशन, क्या करता है कि जो भट्टी से जो निकलेगा गैस निकल रही है, वो गैस को ये कुछ मात्रा में वापस लेता है, मतलब वापस लेके आपको यहाँ ये जो सिलेंडर है इसमें कभी भी जब खुला हो ना, इसमें पानी की ट्यूब्स हैं, कूलेंट रोटेट होता है इसमें, वो क्या करेगा, इस ईजीआर से जो गैस ले रहा है, एग्जॉस्ट गैस से जो गैस ले रहा है उसको वो ठंडा करेगा, ठंडा करके वापस ये एक क्लीनर से जो हवा ले रहा है उसी में वापस दे देगा। क्या होगा, उससे मेरा एक तो इंजन का टेम्परेचर कूल रहेगा, नॉर्मल रहेगा, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना रहेगा, और हमारी जो नॉक्स है मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड वो बहुत कम निकलेगी, कहने का मतलब धुआं कम निकलेगा, धुआं कम निकलेगा मतलब पोल्यूशन कम होगा। तो ये हमारे इसलिए लगाया गया है, ये एक यूनिट है, टर्बो सिस्टम है, नहीं नहीं टर्बो और ये अलग अलग है, ये इलेक्ट्रिकल है। टर्बो क्या होता था, टर्बो 2 लाख रोटेशन पर सेकेंड, एक मिनट में पर मिनट 2 लाख रोटेशन घूमता था, वो भी काम वही करता था, एग्जॉस्ट गैस को लेता था लेकिन वो कूल नहीं करता था, उसे टेम्परेचर से कोई लेना देना, वो क्या करता था कि इंजन की पावर को 5% 4% इंक्रीज कर देता था, लेकिन ये इंक्रीज नहीं कर रहा, कोई पावर बढ़ा नहीं रहा, ये हमारा इमिशन नॉर्म्स कंट्रोल कर रहा है, ईजीआर बोलते हैं, और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक से चलेगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कमांड देगी, फ्यूचर है, फ्यूचर आने वाला है, फ्यूचर में यही चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बंद कर देगी ना बी एस सिक्स का, मतलब क्या, ये बी एस सिक्स समझ लो आप इसको, धीरे धीरे यही आना है।